यदि आप विद्यार्थी हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है और हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है, चलिए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। इसके साथ ही कई अन्य प्रश्नों के भी जवाब जानेंगे। आलू का कौन सा भाग खाया जाता, तो तना। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, आंवला। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता, चीड़ से। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, भ्रूणपोष। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, वुल्फिया। और सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा। पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है, मैग्नीशियम में। जी हाँ, क्लोरोफिल भी मैग्नीशियम का ही एक रूप है, पर्ण हरित। तो पत्तियों में जो उसका हरापन कम हो जाता है मैग्नीशियम की कमी से। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, तो छाल से। और पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो फफूंदी। हल्दी के पौधे का कौन सा योग्य हिस्सा खाया जाता है, तो प्रकंद। और पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती, तो सोयाबीन। और फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता, पुष्पक्रम। मूलांकुर में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें। जी हाँ, दो प्रकार की जड़ें होती हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो टेरिडोफाइट्स में। और पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। और संसार के सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता, तो रेफ्लिसिया द्वारा, या कहें कि रेफ्लिसिया का फूल सबसे बड़ा पुष्प होता है। इसी तरह के अन्य सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।